नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। मैं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आज हम एक खास शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें न्योता आया है अयोध्या से, प्रभु श्री राम का न्योता। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। पूरा देश इस दिन का इंतजार कर रहा है, 500 बरस का इंतजार आखिरकार अब जाकर पूरा होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है इसको लाइव तो सभी देख पाएंगे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से इसे देख पाएंगे और इसमें देश के गिने चुने लोगों को खास न्योता दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनको भी न्योता दिया जा रहा है, लेकिन कुछ हमारे समाज में हमारे साथ में रहने वाले कुछ ऐसे भी खास लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते तो नहीं है लेकिन उनको भी न्योता दिया गया है और उन्हीं में से एक हैं संतोषी दुर्गा। जी हाँ, शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो लेकिन आप उनके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उनके उनकी कहानी जो है वो किसी फिल्म की कहानी से लिखी ही है, लेकिन संतोषी दुर्गा करती हैं पोस्टमार्टम। जी हाँ, अब तक 600 से ज्यादा पोस्टमार्टम वे कर चुकी हैं। साल 2008 से उन्होंने ये काम शुरू किया था। क्यों काम ये शुरू किया था ये इसकी भी बात करेंगे। संतोषी दुर्गा हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। वैसे आपको बता दें कि संतोषी दुर्गा 600 पोस्टमार्टम जो कर चुकी हैं अब वे अयोध्या जा रही हैं, खास उन्हें न्योता दिया गया है। तो आइए स्वागत करते हैं संतोषी दुर्गा का जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक से हैं। संतोषी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु श्री राम को नमस्कार कहिएगा। जी, श्री राम चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। संतोषी जी, अयोध्या से निमंत्रण आ गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सोचा था कभी? कभी नहीं सोची थी, मैं सपनों में भी नहीं सोची थी कि मेरे को मैं श्री रामचंद्र के दरबार में जाऊंगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे को श्री रामचंद्र जी के पास से न्योता आया है। कैसे आ गया न्योता? आपको लगा कि आप पोस्टमार्टम का काम करती हैं और अचानक से न्योता जो आया, ये भी तो बताता है कि कोई काम छोटा बड़ा कभी किसी के लिए नहीं होता। और जी जी भले जी काम करते हैं लेकिन इस काम को भी, इस काम की भी कितनी जरूरत है समाज में ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इस काम को शायद काम ही नहीं समझते। जी जी, तो कैसा लगा इसके बाद आपको, बताइए, खुलकर बात कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं एक दलित फैमिली से हूँ जी, मेरा जी। परिवार और काम काम ही होता है, छोटा ना बड़ा होता है, लेकिन मैं खुद सपनों में नहीं सोची थी कि मेरे को अयोध्या से न्योता आएगा। और सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तुच्छ गरीब को कैसे किस द्वारा मैसेज वहां तक गया, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे कुछ अच्छे कर्म की वजह से शायद प्रभु राम ने मेरे को वहां तक न्योता दिया और बुलाया है, इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर। बहुत खुश है, परिवार वालों में भी जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी होगी। तो कैसे जा रही है जी? जी, अभी मेरा 18 तारीख को यहाँ से रवाना है नरहरपुर से। जी, मेरा ट्रेन लोग साथ में जा रहे हैं, जा रही हैं, आप ही को निमंत्रण है, परिवार वालों को भी निमंत्रण है? जी जी, लेकिन अभी वहाँ अलाउ नहीं है परिवार के साथ जाना वहाँ अभी, तो सिर्फ मेरे साथ अभी मेरा बेटा जा रहा है और गांव के वरिष्ठ हैं आनंद साहू जी, वो मेरे साथ जाएंगे। ठीक है, कैसा परिवार में भी बहुत खुशी होगी संतोषी दुर्गा और पूरे जिले में भी एक नाम होगा आपका, आपके पास लगातार भी आ रही है। जी, पहले जी 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 क्या पहचान कभी ऐसी बनी थी?
नहीं सर, कभी नहीं बनी थी। मैं तो ऐसे काम कर रही हूँ, मैं एक छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, ऐसा काम कर रही हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जो मेरा सिद्धांत यही है कि मैं सबके सेवा भाव करूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँ। और कांकेर जिला में तो मेरा नाम हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा नाम परिचित हो गया सर। अभी मेरे को खबर गांव वाले वाले बात भी करने लग गए, बहुत, अखबार वाले भी, टीवी वाले भी, सब लोग बात करने लग गए। जी, मीडिया वाले लोग भी आए थे, और मीडिया वाले लोग आए थे और कांकेर जिला के आए थे, अपने ग्रामीण क्षेत्र के आए थे, आसपास के गांव वाले आए थे। बहुत बधाई धन्यवाद देने के लिए हमारा कांकेर जिला का अपना नाम रोशन कर दिए बोल के सब मेरे को आशीर्वाद ही दे रहे हैं सर। लेकिन आप जो काम करती हैं पोस्टमार्टम का, ये महिलाओं के जी लिए तो बहुत कठिन काम होता है। कैसे ये पोस्टमार्टम का काम शुरू किया, क्यों शुरू किया? जी बताइए, जी पोस्टमार्टम का काम जो जी आप काम करती हैं, ये कैसे शुरू किया, क्यों शुरू करना पड़ा? महिला हैं आप, आवाज और नहीं आ रही महिलाएं सर। तो बहुत कम हैं, तो बहुत कम संख्या में महिलाएं इस कार्य क्षेत्र में हैं। आपने 600 से ज्यादा पोस्टमार्टम अभी तक कर दिए, तो ये क्यों करना पड़ा ऐसा? चलिए, लगता है कि संपर्क जो है टूट गया, लेकिन फिर हमारे साथ वो कुछ ही देर में छोड़ने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जो दुर्गा जी जो हैं, उन्होंने ये पोस्टमार्टम का काम कोई शौक से शुरू नहीं किया, उन्होंने एक चैलेंज के रूप में दरअसल इसे स्वीकार किया था। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी इनकी इससे जुड़ी भी हुई है। जो बताया जा रहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जो उन्हें मिला है, सबसे पहले तो यह है कि वे इससे बहुत खुश हैं। उनका परिवार जो है वो बहुत खुश नजर आ रहा है उनको न्योता मिलने से। जाहिर सी बात है कि जिले के लोग जो हैं, उनके ब्लॉक नरहरपुर ब्लॉक की रहने वाली है, कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक की रहने वाली है, और ऐसे में उनके जिले के लोगों में भी बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है कि उनके ब्लॉक की बिटिया जो है उसने नाम रोशन किया है। और वे प्रधानमंत्री का आभार जता रही हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं कि उन्होंने उनके काम को सराहा, उनके काम को कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो बिल्कुल अलग तरीके का काम करते हैं, लेकिन उनकी उनके काम को गिना जा रहा है, कहीं दर्ज हो रहा है वो काम, ये अपने आप में ये खबर दर्शाती है। वैसे आपको बता दें कि जो संतोषी दुर्गा जो हैं, वे कांकेर की रहने वाली हैं, और उनके पिता भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम का ही काम किया करते थे। और फिर से एक बार जुड़ चुकी हैं संतोषी जी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। संतोषी जी, क्या रहा ऐसा, क्यों पोस्टमार्टम आपको करना पड़ा? पोस्टमार्टम करने के लिए आपको क्यों आना पड़ा? एक महिला होने के नाते भी आप पोस्टमार्टम करती हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, इसके पीछे की कहानी ये है सर कि बेटा हो या बेटी हो, जिनके घर में बड़े बेटी होते हैं उनके यहाँ जिम्मेदारी बढ़ती है। बेटा भी होने से जिम्मेदारी ही बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा नहीं है। हम 6 बहन हैं, 6 बहन में जी सबसे बड़ी मैं ही हूँ, इसीलिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज्यादा ही बढ़ गई सर। पढ़ाई मेरा कम रहा है, लेकिन घर में सब परिवार को, बहन लोग को देखना, ये सब चीज मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और हमारे यहाँ पापा स्वास्थ्य विभाग में थे, अब उन्हीं के चलते मैं ये काम सीखी हूँ। पापा मेरा प्रेरणा है जी। पिताजी भी आपसे यही काम करते थे? जी, पापा भी वही काम करते थे सर जी तो जी मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आपने अपने पिता को एक चैलेंज भी दिया, कहा कि भाई ये काम जो है ये शराब के बगैर भी किया जा सकता है, क्योंकि वाकई में एक जी शरीर का पोस्टमार्टम करना, चीर फाड़ करना, ये बड़ा मतलब एक जी सामान्य इंसान के लिए बड़ा खतरनाक होता है। जाहिर सी बात है कि कई जी लोग तो किसी को चोट लग जाए उसे देखकर ही बेहोश हो जाते हैं, और आप तो पोस्टमार्टम करती हैं, पूरे शरीर को खोलना पड़ता है उसमें, तो ये कैसे जी हुआ, सर क्या जी हुआ? जी क्योंकि ये बताया गया कि आपकी कहानी जो है एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
जी सर, वही है कि पापा हमेशा ये कार्य करते थे, तो हमेशा ड्रिंक करके आते थे घर में, तो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं उस घर में, थोड़ा सा खलबली रहता है कि ये मत करो मत करो, ऐसा है वैसा है, हम ऐसा थोड़ा लड़ाई वगैरह करते थे मम्मी से, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था कि पापा आप ड्रिंक करके आते हो, लेकिन आप आते हो लेकिन शांत से रहा करो, मम्मी से झगड़ा मत किया करो, जो भी काम है घर का हम लोग कर लेंगे पापा, आप मम्मी से लड़ाई मत करो। पापा बोलते थे कि मैं प्रश्न पूछी पापा जी से कि पापा कहीं एक काम आप कर रहे हो तो इसको बिना पिए भी तो कर सकते हैं ना पापा बोले, तो पापा बोले कि नहीं बिना पिए नहीं कर सकते, क्योंकि कई प्रकार की वहां सड़ी गली लाश, कई कीड़े कई कई क्षतिग्रस्त लाश रहती है, तुम उसको देख नहीं सकते हो बोल के मेरे से पापा शर्त लगा लिए। मैं ही लगा ली पापा से शर्त कि मैं बोली कि पापा इसको बिना पिए भी कर सकते हैं ये काम को हम, तो पापा से मेरा छोटा सा शर्त लग गया, अगर मैं अगर आपके सामने बिना पिए अगर मैं ये कार्य कर दूंगी तो आपको दारू छोड़ना पड़ेगा पापा जी, आप नहीं पीना, बेटा रहता तो कोई समझाता, बेटी बेटी हम 6 बहन हैं तो सबसे बड़ी मैं हूँ, पापा आपको मैं समझा रही हूँ नहीं पीना पापा, दारू से सेहत खराब होता है, ये सब बोल के मैं पापा से छोटी सी शर्त लगा ली, आप सामने रहना और मैं पीएम करूंगी और बिना पिए आपको करके दिखा दूंगी बोल के पापा बोली बस। तो फिर उसके बाद पापा मेरे साथ गए, किशनपुरी का केस है, लड़का पानी में डूब के खत्म हो गया था, 24 साल का लड़का है, मेरा फर्स्ट केस था 2004 में, मैं वहीं से केस करी सर, और पापा बैठे थे और पापा बोलते गए ऐसे करना है ऐसे करना है, तो फिर मैं माता रानी को प्रार्थना करी, अबीर बजरंगबली को प्रार्थना करी, उसके बाद मैं ये काम को शुरू करी सर, और मेरे में कहां से बीर बजरंगबली मेरे को ताकत दे दिए, हिम्मत दे दिए माता रानी ने, और मेरे को ये काम को कार्य को मैंने किया सर, और उसी दिन से मेरे पापा ने मेरे को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि तुम आज से मेरे लिए बेटी नहीं हो बेटा हो बोल के मेरे पापा ने दंडवत प्रणाम किए, और हमारे साथ 6 महीने कुछ अच्छे रहे, दारू बिल्कुल छोड़ दिए, उसके बाद हमारे भी हमारे पिताजी नहीं रहे सर, एकाएक दारू को छोड़ दिए, उसके बाद उनको बीमारी पकड़ ली, लोकवा हो गया, फिर उनके बाद हाथ पांव सब चलना बंद हो गया, फिर उसके बाद हमारे पापा नहीं रहे हमारे भी सर। ये तो दुखद है। किसी भी किसी के जी भी पिता जो होते हैं उनके लिए बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं हर जी किसी। जी ये आप जी राम मंदिर जब दर्शन के लिए रामलला के दर्शन के लिए जाने वाली हैं तो क्या मांगने जी वाली से? क्योंकि देखिए बहुत लंबा इंतजार था 500 सालों का जो अब पूरा हुआ है, जी और सबसे पहले दर्शन करने जी का सौभाग्य भी आपको सामने से मिलने वाला है, क्या जी मांगे? जी मैं यही मांगना चाहती हूँ श्री रामचंद्र जी से कि मैं एक छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को दया दृष्टि हमेशा उनपे बनाए रखे, श्री रामचंद्र अपने कांकेर जिले के सभी लोगों पर दया दृष्टि बनाए रहे प्रभु श्री रामचंद्र, और हमारे छोटे से गांव है नरहरपुर जहां मैं निवास करती हूँ, वहां के सभी लोगों को दया दृष्टि बनाए रहे श्री रामचंद्र, सभी लोग के लिए अर्जी यही लेना चाहती हूँ क्या लेकर जा रही जी। हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के तो श्री रामचंद्र जो हैं वो छत्तीसगढ़ के भांचा लगते हैं, क्या लेकर जा रही हैं? जी 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 उनके लिए कुछ लेकर जाएंगी भांचा के लिए? जी जाऊंगी ना सर एक चीज और है संतोषी जी, कि जी मैंने सुना है जी कि आप परमानेंट नहीं हैं, आप जी जी परमानेंट नहीं, और आपने आपकी शायद ये इच्छा भी है कि आप श्री जी रामचंद्र जी के दर्शन करें, तो उनसे ये भी प्रार्थना होगी कि आपको परमानेंट कर दिया जाए। अभी मौजूदा जी आपका वेतन किस प्रकार का वेतन मिलता है, किस कैटेगरी में आप लोग काम करते हैं? और क्योंकि मैंने सुना है कि वेतन बहुत कम होता है, काम बड़ा मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद वेतन बड़ा कम जी रहता है।
जी 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 सर, वेतन बहुत कम है, रोजी भी नहीं पड़ता है एक दिन का सर, रोजी भी नहीं पड़ता है हमको। बाकी जगह तो रोजी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग जेडीएस के कर्मचारी हैं सर, जेडीएस में बहुत रोजी कम है। सबसे पहले तो 800 से स्टार्ट किया, फिर 1500 से, फिर 3000 से, फिर 4500, अभी 6000, सब वैसे मिल रहा है सर। 6,000 रुपये पूरे महीने भर का मिलता है आपको, जी तो इसमें तो गुजारा करना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है आज के महंगाई जमाना में, बहुत मुश्किल है सर गुजारा करना। तो कैसे कैसे काम, मैं क्या चाहती हैं आप? देखिए, आप आपसे आपसे बात कर रहे हैं तो ये बात जो है शासन पहुंचेगी। एक आप बात और बोलना अपनी चाहती हूँ सर, एक बात और बोलना चाहती हूँ। अवार्ड से किसी का पेट नहीं भरता, न सम्मान से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 17 साल के इस सेवा को, निःशुल्क सेवा को, 17 साल की सेवा को मेरा रेगुलर करने की कृपा करेंगे, ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे पाऊँ, अच्छे कॉलेज में मैं दाखिला करा सकूँ, मेरे बेटे लोग को अच्छा कंप्यूटर की शिक्षा दीक्षा दे सकूँ। यही मेरी चाह है सर और रिक्वेस्ट है। ठीक है, यही आपकी चाह है। जी सरकार से कुछ कहना चाहेंगी, प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी? जी जी प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि मैं, एक उम्र होती है सर नौकरी करने का, लेकिन मेरा उम्र ढल जाएगा तो नौकरी कहाँ कर पाऊंगी मैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उन लोग को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, ताकि मेरा 17 साल जो निःशुल्क सेवा है, सच्चे भाव से मैं सेवा करी हूँ स्वास्थ्य विभाग में, वही एक जगह रह के, तो जो पद में मैं काम कर रही हूँ वो पद को मेरे को रिक्त करके रेगुलर करने की कष्ट करेंगे। यही शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ सर। रेगुलर करने का प्रावधान होता है क्या? ये इसके पहले कि जी कोई और अन्य कर्मचारी रेगुलर है? जी जैसे अभी मैं जिस पद में काम कर रही हूँ सर, यहाँ रिक्त खाली है मेरे स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ पे मैं अभी कार्य कर रही हूँ उसी पद में, तो वो जगह खाली है, तो वो जगह में डाल देते, दिया जाते तो ठीक होता सर। ये आपने चैलेंज के रूप में पोस्टमार्टम करना शुरू किया था अपने पिता को चैलेंज, और देखिए अच्छी पहल थी आपकी। निश्चित रूप से किसी की जी शराब छुड़ाने के लिए, अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए आपने कहा कि ये, क्योंकि घर में विवाद होते थे, जाहिर सी बात है, और छत्तीसगढ़ में तो बड़े जी स्तर पर ये बात की जाती है कि होते ही हैं शराब सर। जी शराब बंद होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी छत्तीसगढ़ सरकारें जो हैं वो बदल जाती हैं शराबबंदी को लेकर के, तो आपको क्या लगता है शराबबंदी कितनी जरूरी है समाज के लिए? शराबबंदी बहुत जरूरी है सर। आजकल तो घरों घरों में शराब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब सबका रहता है, तो मैं बोलना चाहती हूँ यही कि आजकल नशे के कारण कई लोग सड़क में गिरते हैं, सड़क दुर्घटना होती है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई प्रकार के दुर्घटना हो रही है, कई मर रहे हैं, कोई किसी को ठोक के चल दे रहे हैं, तो ये सब दुख होता है। इसीलिए अपने भाइयों को यही बोलना चाहती हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, उसको ना पिए तो ही ठीक है, मैं राम वही जी से बोलना चाहती हूँ प्रार्थना करूंगा, सास। क्योंकि राम राज्य जो हुआ था, क्योंकि राम जी आ रहे हैं तो राम जी का राज्य भी स्थापित होने वाला है, और राम राज्य में तो सब जी सुखी, कोई दुखी नहीं था, और राम राज्य में जी कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ऐसी जी प्रार्थना रहेगी राम प्रभु श्री राम से? प्रभु राम जी से प्रार्थना करूंगी ना सर। एक चीज और, आपके काम को लेकर फिर मैं वापस आपके काम को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम आपने जी भाई पिताजी को चैलेंज जो आपने किया था, एक चैलेंज दिया था या शर्त लगी थी, जो भी कह लीजिए, उसके बाद आपने जी काम शुरू कर दिया, उसके बाद आप लगातार जी काम, कभी आपको नहीं लगा कि ये काम जो है इसको छोड़ करके दूसरा काम? आप एक लड़की हैं, समाज ने भी कई बार बहुत सारी बातें बोली होंगी।
शादी, उसके बाद आपकी शादी हुई? जी, समाज में बहुत सारे बात होते हैं, जैसे ये दलित परिवार की लड़की है तो बहुत जन का सोच रहता है। आजकल छुआछूत का भी भावना है, और मैं एक छोटी सी गांव में रहती हूँ, आजकल छुआछूत का भी भावना है सर। तो बहुत जने बोलते हैं हाँ ये ऐसे ऐसे काम करती है तो इनके घर नहीं जाना, चाय नहीं पीना, पानी नहीं पीना, ऐसे टाइप की बात करते हैं ना सर। तो बहुत दुख लगता है, लेकिन हम सब एक है, बस सोच से सब कुछ होता है सर। हम सब एक है लेकिन सोच से होता है, लेकिन हर किसी के सोच को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, सब एक समान होते हैं। जी पोस्टमार्टम का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जरूरी भी होता है। कितना जरूरी जी होता है ऐसा, आप ही अपने शब्दों से लोगों को समझाएं ताकि वो समझ सकें कि ये जो आप छुआछूत या ये कह रहे हैं कि नहीं आना, नहीं चाय पीना, पानी नहीं पीना, ये लोग समझ पाए कि भाई कितना जरूरी है, और इससे कोई इन्फेक्शन कोई ऐसा थोड़ी घर में बैठ के किया जा रहा है। हर सावधानी बरती जाती, जी थोड़ा कैसे होगा? जी जी सावधानी बिल्कुल बरतती हूँ सर। जैसे मैं अपने काम में, जैसे मैं जाती हूँ पोस्टमार्टम करने के लिए, तो मैं 3 ग्लव्स पहनती हूँ सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 3 ग्लव्स हाथों में पहनती हूँ, मास्क लगाती हूँ, कैप पहनती हूँ, ड्रेस पहनती हूँ, सब चीज पहनती हूँ सर। और मैं सावधानी पूर्वक ही करती हूँ। और उसके लिए हम लोग को 6 महीने का इंजेक्शन भी लगता है, हेपेटाइटिस का भी लगता है, टीटी का भी लगता है। हमारे स्वास्थ्य को यहाँ हर 6 महीने में जांच किया जाता है, और मैं बहुत सावधानी पूर्वक, जब हम स्वच्छ रहेंगे सर तभी तो हम लोगों को स्वास्थ्य रखेंगे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये हर एक कोई काम कर भी नहीं सकता, लेकिन ये काम बहुत जरूरी भी है संतोषी जी, नहीं? जी, कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? आप जो काम कर रही हैं, ये आप काम नहीं करेंगी तो फिर क्या हो जाए? अगर काम मैं नहीं जाती, मान लो कुछ कहीं मैं चली जाती हूँ, अगर इधर केस आ जाता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि दीदी नहीं है, बहुत परेशानी हो रहा है, तो यहाँ से फिर 30 किलोमीटर रिफर करना पड़ता है सर केस को, तो इन लोग परेशानी का बहुत परेशानी हो जाते हैं। कभी गाड़ी भी नहीं मिलती, गाड़ी का सुविधा भी नहीं, कहीं नहीं, कोई कोई लेकिन गांव मेरा में। मेरा मेरा ये सवाल नहीं था आपसे, मेरा सवाल जी ये है कि लोग इस काम, कई लोग जो हैं वो नफरत करते हैं या इस काम को छोटा समझते हैं या इस काम को अच्छा नहीं समझते, कई है इस प्रकार के जी लोग। लेकिन ये काम जी कितना जरूरी है, जी अगर आप लोग मतलब ये है कि आप जैसे सभी लोग अगर ये काम नहीं जी करेंगे तो समाज के लिए कितना घातक होगा, ये थोड़ा सा बताइए। घातक शासन ने वैसी नियम बना दिए हैं सर, शासन ने ही नियम बनाए ने नियम बना कि दिए हैं, ये अभी बहुत सारी चीजें मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चल पाता है, जी पोस्टमार्टम से पता चल जी जाता है, आखिर वजह क्या है। कई जी सारे केस जिसका जिक्र आप कर रही थी, फिर आपके नशे जी में टक्कर मार दी जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं इसी वजह से होती है, लोगों की जान इस वजह से जाती है, मौत की वजह का पता लगाना जरूरी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के लोग शायद उतनी गहनता से उसके ऊपर विचार नहीं करते, और उसकी उसी का नतीजा ये होता है कि आप जो बता रहे हैं कि छुआछूत या छोटी सोच जो है वो लोगों में आ गई। बहरहाल आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं संतोषी दुर्गा जी, जी आप ये राम मंदिर जा रही हो, जी हमारा प्रणाम वहां पर, हमारी तरफ से भी करिएगा प्रणाम, जी और जी रामलला से आप जो मांगने वाली है हम भी यही कहेंगे कि रामलला जो है आपकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करें। आप जो परमानेंट की आप बात कर रही हैं, शासन प्रशासन उस जी पर ध्यान दे, रामलला तो आपकी पुकार सुनेंगे, और साथ ही साथ कांकेर के लोगों के लिए भी, प्रदेश के लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी यात्रा शुभ हो, जी मंगल हो, बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जी हमेशा। धन्यवाद तो संतोषी दुर्गा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और कांकेर की आप रहने वाली हैं, वे जा रही हैं, 18 तारीख को रवाना हो जाएंगी, और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसकी वे साक्षी बनने वाली हैं।
कोई शायद ही सोच सकता हो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बड़े सितारे तो नजर आएंगे, लेकिन ये भी तो हमारे समाज के सितारे हैं जो हमारे समाज के हिस्से हैं और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि कई लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब जरूर ये जो पहल की गई है, आमंत्रित करने की ही ये पहल है, और ऐसे लोगों को चुन चुन कर आमंत्रित किया जा रहा है जो अपने आप में समाज के लिए बहुत जरूरी हैं और अपनी एक मिसाल वो अपने काम से कायम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे नए नए लोगों की कहानियां जो आप तक पहुंचा रहे हैं उससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी, समाज में भी बदलाव आ सकेगा, समाज की सोच में बदलाव आएगा। सरकार की तरफ से भी यही कोशिशें चल रही हैं और आज इस चर्चा में इतना ही। संतोषी जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के फेसबुक लाइव में हमारे साथ शामिल होने के लिए।